Welcome everyone to a new video. So in this video we're going to talk about an interesting glycosidation reaction. So the name of this particular reaction is Schmidt trichloroacetimidate glycosidation reaction. Actually, in my last video on the Overman rearrangement, I discussed about this trichloroacetimidate intermediate, okay, and how it undergoes 3,3 sigma-topic rearrangement. So before going ahead with the this video, let's just discuss the mechanism of the last video, which was on the Overman rearrangement, where I said the sodium hydrogen catalytic amount. So how the catalytic amount can drive the reaction in the forward direction can be understood. Let us suppose in the first step I am using a catalytic amount of sodium hydride. So that is this is the hydride from the sodium hydride. What it has done, it has abstracted this hydrogen to generate this alkoxide anion. Aur aapka kya hai ki hydrogen reaction mein se it has been released. Now this alkoxide ion, it attacks this trichloroacetonitrile, okay, trichloroacetonitrile ko attack kiya, and what it gives us this particular intermediate, okay. Now ye wala jo nitrogen ke upar negative charge hai na, this is more like, you know, similar to guanidinium. You can clearly see yahan par aapka kya hai ki this is very very basic in nature, jiski wajah se kya karta hai, ye wala jo negative charge hai ye abstract kar leta hai hydrogen. Kahan se? स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो अल्कोहल से है, ठीक है. अगर ये नाइट्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहां पर अब क्या जनरेट हो रहा है, आपका क्या जनरेट हो रहा है, एल्कोक्साइड जनरेट हो रहा है, ठीक है. ये वाला इंटरमीडिएट हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने का अगले स्टेप में यहां पहुंचता है, जो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट करके आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट दे देता है. इसने यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या जनरेट हुआ, आपका एल्कोक्साइड आयन. जो एल्कोक्साइड आयन आपका जनरेट हुआ, उसने फिर से इस पर अटैक कर दिया. तो ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है आपकी बार बार, जब तक पूरा का पूरा आपका एल्कोहल कंज्यूम नहीं होता. सो दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जब भी आपको ट्राइक्लोरोएसिटामिडेट डेरिवेटिव बनाने होते हैं, यू डोंट नीड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रेट, व्हाट यू नीड इज ओनली द कैटालिटिक. और कैटालिटिक आपको किसके लिए चाहिए होती है, टू जनरेट दिस इनिशियल एल्कोक्साइड आयन. आपका ये इनिशियल एक बार जनरेट हुआ, मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार आपका ये इनिशियल जनरेट हुआ, उसके बाद आपका क्या है कि इसने रिएक्ट किया इधर टू गिव यू दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट. यहां से इस नाइट्रोजन का नेगेटिव, दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन इज बेसिक इनफ टू एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दी एल्कोहल, और इसने क्या जनरेट कर दिया, फिर से एल्कोक्साइड आयन, जो इसने यहां अटैक कर दिया. तो ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है, ठीक है. दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट यू नीड इज द कैटालिटिक अमाउंट. So as I said, this is nothing but a glycosidation reaction. So what we are doing is a glycosidation at this particular position. Here again we are using catalytic amount of sodium hydride, acid trichloroacetamidate intermediate banaya. In presence of Lewis acid, if we treat it with alcohol or phenol, what we end up getting is a glycosidation. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं, पहले स्टेप वही है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू गिव दिस इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपका क्या होता है कि ओ नेगेटिव इधर अटैक करता है. सो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू वी फॉर्म. और जब आपका BF3 थ्रेड होता है, यहाँ पर BF3 थ्रेड क्या करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका ये एसिटेट ग्रुप परफेक्टली प्लेस है टू एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस देने के लिए, मतलब टू एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट. तो आपका एसिटेट ग्रुप क्या करता है, यहां से बैक साइड से अटैक करता है, आपका ये पर्टिकुलर ग्रुप लीव कर जाता है, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू फॉर्म. अब यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट का क्या था, हाइड्रोक्सी एल्कोहल या फिनॉल. व्हाट इट डज, इट अटैक्स दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू गिव यू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब यहाँ दोनों की आप रिस्पेक्टिव स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, क्या है, ट्रांस है, क्योंकि इस वाले यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, SN2 सब्स्टिट्यूशन मतलब इन्वर्जन, और यहाँ पर भी आपका क्या है, SN2 सब्स्टिट्यूशन इन्वर्जन. तो हमको पता है दो नेट इन्वर्जन इज इक्वल्स टू वन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है. मतलब आपका क्या हो रहा है, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अल्फा होगी तो इसकी बीटा होगी, अगर इसकी बीटा होगी तो इसकी अल्फा होगी. हमेशा इस वाली पोजीशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस वाले एसिटेट ग्रुप से अलग होगी, बिकॉज दिस एसिटेट ग्रुप इज लैंडिंग इज एंशिमरिक असिस्टेंस, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट कर रहा है. सिंपल है, आई थिंक आपको समझ आया होगा. लेट्स लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स जल्दी से. So in the first example, we again you can see this trichloroacetamidate derivative, and you can clearly see this acetate group is going behind the plane. उसके बाद आप क्या करें, आपने ये वाला phenol लिया, presence of BF3 thread, you can clearly see this oxygen. दोनों की stereochemistry trans है. This is coming out of the plane because this was behind the plane. क्योंकि जो आपका intermediate बन रहा होगा, वो intermediate आपका क्या होगा, acetate आपको neighboring group participation दे रहा होगा. Similarly इस example में भी आपका क्या है कि ये सब्स्टिट्यूएंट आपका एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। ये आपका क्या इक्वेटोरियल एक्सियल है, और हमको पता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रीअरेंजमेंट बनता है वो क्या बनता है, ट्रांस बनता है। अब यहाँ पर रिएक्शन के बाद आपका क्या बन गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, मतलब कि दोनों के दोनों ट्रांस। अगेन बीएफ सीरीज रेड की प्रेजेंस में एल्कोहल से आपने रिएक्ट किया। सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एज वेल यू हैव द एल्कोहल। यहाँ पर काफी डिफरेंट वेराइटी ऑफ एल्कोहल्स दे हैव डन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विद। ये एक्सियल है, द प्रोडक्ट दैट यू एंड अप गेटिंग इज द इक्वेटोरियल। अगेन आप इसका खुद मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा। ये भी एक और एग्जांपल है उस सीरीज का, एक्सियल है इक्वेटोरियल। तो इसका इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एसिटेट ग्रुप, एंशिमरिक असिस्टेंट या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके किस तरह से सिलेक्टिवली आपका ग्लाइकोसिडेशन बॉन्ड बन रहा है। तो आपका जो ग्लाइकोसिडेशन यहाँ हो रहा है दिस इज कॉल्ड बीटा सिलेक्टिविटी। इस वाले को, इन सबको हम बीटा सिलेक्टिविटी कहते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप नीचे की तरफ आ रहा था, अगर आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट नीचे की तरफ आ रहा था उसको हम अल्फा सिलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर व्हाट यू आर गेटिंग इज दी बीटा सिलेक्टिविटी, क्योंकि इन ऑल दीज केसेस दिस पर्टिकुलर हमारा ट्राइक्लोरोएसिटामिडेट इंटरमीडिएट इट इज ऑक्यूपाइंग दी एक्सियल पोजीशन, तभी आपको बीटा सिलेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। और मोर ओवर वो डिपेंड करेगा कि एसिटेट ग्रुप आपका किस तरफ है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हम देखा है क्योंकि it act as a neighboring group participant, that is why the substitution of the acetate group, मतलब acetate group whether it is equatorial or axial, it actually decides कि आपका incoming nucleophile कहां से होगा। अगर आपका acetate group axial होता, ठीक है, तो ऊपर से आपका anchiomeric assistance देता, तो 100% एल्कोहल तब आपका नीचे से अटैक करता, तब आपको मिलती अल्फा सिलेक्टिविटी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। बेसिक फंडा लगाना होता है, मैकेनिज्म एक बार समझ आ जाए आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस वीडियो के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे।